हेलो एवरीवन, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं जूनियर स्टार्क नेप्स निर्वाणा इंडिया की तरफ से सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहता हूँ न्यूज टुडे को फॉर फीचर अस ऑन देयर वेबसाइट थ्रू आउट एन आर्टिकल एंड इट इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आवर व्यूअर्स बिकॉज आई डोंट थिंक आप लोगों के प्यार के बिना ये कभी पॉसिबल होता। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप लोगों को वो आर्टिकल देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे लिंक दे दूंगा एंड उस वीडियो को मैं एंड स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। आज की वीडियो बेसिकली हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन है एंड कंक्लूशन भी। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले पार्ट वन देखिए जो कि ऊपर आई बटन पे है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक अवेलेबल मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। वी लव टू एंजॉय आवर कंपनी रादर देन एनीथिंग, क्योंकि शायद ये एक गेमिंग वर्ल्ड है या फिर आप बोल सकते हैं ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, लेकिन साझेदारी एंड राइट पर्सन हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो गेमिंग लाइफ हो, चाहे वो वर्चुअल लाइफ हो या चाहे वो रियल लाइफ ही क्यों ना हो। शायद पिछले कुछ सालों में इस बेवकूफ ने पहली बार कुछ सही कहा है। साझेदारी एंड राइट पर्सन हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। वैसे हमारी इंटेंशन ये है कि हम सारे निर्वाणा मेंबर्स को एक साथ बुला पाए, लेकिन ये बैटल रॉयल ओनली 4% स्क्वाडेड है, तो ऐसे ही मिलवाती हूँ आपको सबसे। पहले इनसे मिलिए, ये है डियाब्लो भाई साहब, जो खेलने तो आते हैं जंग के मैदान पे, लेकिन काम है इनका छुप के खेलना और टैग कलेक्ट करना, मतलब आप लोग बोल सकते हो मरम पट्टी करना। आप लोग खुद ही देखिए। Hey, wait, my dear honey, there is always a doctor in the group of soldiers. एंड हमारा डियाब्लो भी वैसा ही एक सोल्जर है, सो प्लीज उसके बारे में कुछ मत कहो, ठीक है? क्योंकि वही हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, हमारा डॉक्टर भैया मिस्टर डियाब्लो। ओके, चलो मान लेती हूँ। अब अगला कौन है? अच्छा, इनसे मिलिए, ये है मिस्टर ब्लेड, जो निर्वाणा टीम का आयरनाइड है, जिसके पास कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का बहुत सारा लेजेंडरी स्किन एंड गन्स मेथ है, बट खुद सबसे आखिर में लेजेंडरी में पहुंचता है। हमारा ब्लेड सच में आयरनाइड है एंड वो हमारे टीम का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है। वो जब भी एक्शन करता है ना, तब भी बहुत ही कूल लगता है और मेरा सबसे फेवरेट सोल्जर ब्लेड ही है। तो चलिए मिलवाती हूँ उनसे, जो बहुत टाइम के बाद आया है जंग के मैदान में, ये है जॉयदीप। ऐसे तो ये हमेशा रश में होता है, लेकिन ये डिफेंड भी बहुत अच्छा करता है, तो ओवरऑल ये बैलेंस प्लेयर है। माय डियर हनी, कोई भी ज्यादा दिन तक अपने घर से दूर नहीं रह सकता, और निर्वाणा खाली एक क्लैन या फिर टीम नहीं है, ये घर है और यहाँ के हर मेंबर, हर प्लेयर एक फैमिली मेंबर है। कोई भी बैलेंस प्लेयर नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है इधर। एंड जॉयदीप, वेलकम बैक। नाइस, जॉयदीप एंड डियाब्लो, सच में मजा आ गया। अगर वक्त मिले तो मिस्टर महाराज इनसे कुछ सीखिए इनसे कुछ। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो।
यही वो मेंबर्स है जिनके साथ इस जर्नी की शुरुआत हुई थी, जो है डियाब्लो, ब्लेड, जॉयबी एंड अपना बेबकू मिस्टर नेव्स, जो अपने आप को जूनियर स्टार्क समझता है। वैसे मिस्टर महाराज, आप अपनी टीम को लेके कहाँ जा रहे हैं? हैं? जा रहा हूँ। We are already in मैदाने जंग, हनी। और हम थोड़ी ना कोई पिकनिक कर रहे हैं यार। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं इन्हें लेके किसी हिल स्टेशन ना चला जाऊँ। Nice joke, but मजा नहीं आया। ये सब छोड़ के अगर थोड़ा गेम प्ले में ध्यान दो तो शायद सबके लिए अच्छा होगा। बेवकूफ कहीं का। इरादा तो मेरा हमेशा से वही है, लेकिन मैं जब भी तुम्हें सुनता हूँ ना, मेरे उंगली से ट्रिगर दबता ही नहीं यार। स्नैप्स मर गया। आप सभी ने देखा कि ये मुराड़ी बनने चला था हीरो, लेकिन बन गया जीरो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो हनी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? बेबकूफ, तुम रिवाइवल फ्लाइट से वापस आए हो, कोई ट्रॉफी जीत के नहीं। अब जल्दी कुछ लूटो एंड जॉयदीप को बैकअप दो। अगर वो नहीं होता तो तुम्हें रिवाइवल फ्लाइट भी नसीब नहीं होता। इधर आ जाओ, ये फिस पड़ी है। एक फिस है और एक आईसीआर है। जब जाना होगा ना तब एयरबोन बुला लूंगा मैं, ठीक है ना? वो तो गए जोन में, चले जोन में। जाना तो पड़ेगा जोन में। लास्ट जोन में नहीं गए भाई, वापस आ रहे हैं। इधर ही है। गन लेने जा रहे हो? गोली बहुत कम है। गोली तो नहीं है भाई, आई कहीं से ले। लकी नेब्स। क्या लकी?
इसे स्किल बोलते हैं स्वीटहार्ट, स्किल। अच्छा अच्छा, चलो तुम्हें तुम्हारी इस परफॉर्मेंस पर 100 में से 12 मार्क्स मिलता है। क्या 12%? मेरा उधर हालत खराब हो रहा था और तुम्हें तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है यार। ये भगवान, उठा ले मुझे, उठा ले। चलो इसको मार के दिखाओ तो मानूं। अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, तुम्हारे लिए तो मैं अपना जान भी दे सकता हूँ, लेकिन कभी मांगना मत। पर अब देखो तुम्हारा ये बेवकूफ करता क्या है। स्वीटहार्ट, ये तुम्हारे लिए था। चलिए जीत गए हम लोग, और इसके साथ आज का ये पागलपन भी यहीं पर खत्म होता है। अगर इस बेवकूफ ने चाहा तो आप लोगों से जल्दी मिलूंगी। तब तक स्टे ट्यून, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। बाय।